उनका ईएससी कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए, कभी भी। ये आपने ध्यान रखना है, चाहे आप वहां बैठ भी जाओ तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इस विद्या से जुड़े हुए हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं उसकी उसकी एक एक जोन की बता रहा हूँ। ईएससी की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। ईएससी हमारी अकॉल्ट साइंस जितनी भी है ना, जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो गुप्त हैं, गुप्त विद्याएं, उससे जुड़ा हुआ है वो। देखिए दैव्य शक्ति के रहस्य का ज्ञान ईएससी के पास है, किसी के पास नहीं, सिर्फ ईएससी। नहीं तो कोई पहुंचा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि जिसकी चर्निंग सही नहीं है ना वो पहुंच ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा। क्योंकि अग्नि के समय यहीं से अग्नि कन्वर्ट होती है ना, उसके उसके पार्ट आ गया ना, मैंने ऊपर कितना कुछ बताया आपको ना। तो दैव्य शक्ति के रहस्य का ज्ञान, अगर आपने गुप्त ज्ञान जानना चाहते हैं दैव्य शक्ति क्या चीजें हैं, तो ये ईएससी देगा आपको। वो पूछ लियो। मेरा नाम गुरशरण सिंह कटौड़ाया, मैं यूके इंग्लैंड तो हाँ। मैं स्पैशली यूट्यूब पर देखिया सी, सरबजीत सर नूं पहला भी जानदा सी, और मेरे दिल च सी मैं ये कोर्स करा। मैं कोर्स करन आया और जिन्ना मैं लिया अल्टीमेट अल्टीमेट और वो टेक्निक सीखी आ जिहड़ी के मैं कभी सोच भी नहीं सी सकदा कि इस ये टेक्निक मैं सीख सकदा। और ये बुक आ मैं इंग्लैंड मंगाई सी, इंग्लैंड मैं पढ़ी आ दो बारी, पर इन्ना कुछ सर ने दिता कि ये बुक पढ़ के ही दिमाग दे टक्कन खोलते आ। सो प्लीज़ तुसी ये बुक मंगा के पढ़ के देखो, यू विल बी जज के बुक च है की। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच।